और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रायपुर में हाल ही में संपन्न हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 53वें प्रदेश अधिवेशन में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश भर के जितने भी विषय हैं, आज हमने उन सब विषयों को सामने रखने की कोशिश की है। प्रांतीय अध्यक्ष शुभम जायसवाल ने कहा, लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी का प्रयास रहा है छत्तीसगढ़ अपराध मुक्त हो, और जैसे ही लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार का जो रवैया है वो काफी निराशाजनक रहा है। और साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि अपराध को कम करने के लिए सरकार स्पेशल फोर्स तैयार करे और जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, चाहे वो लूट का विषय हो, चाहे वो वर्तमान जो सरकार का जो रवैया है वो बड़ा निराशाजनक है। बाकी बात विद्यार्थी सरकार से यही मांग करती है, उसको लेकर कुछ स्पेशल फोर्स बनाना चाहिए ताकि जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। और एक जो आरोपी जो होता है उसको क्राइम करने से पहले एक डर उसके मन में पैदा हो, इस प्रकार का निर्णय सरकार को लेना चाहिए। और अखिल विद्यार्थी परिषद लगातार इस विषय को उठाती हुई है और आगे चलकर भी महिलाएं की सुरक्षाओं को लेकर विद्यार्थी परिषद कड़ा संघर्ष करा रही है। ऐसी चाहे वो रीओपनिंग स्कूल कॉलेज की बात हो, उसका भी हमने स्वागत किया, जो अच्छी बात उनका स्वागत किया है और जो समस्या है उसके बारे में आपके बीच हमने बातें रखी है। और आने वाले समय विद्यार्थी परिषद का फीस जो हाई जो फीस वृद्धि हुई है उसको लेकर भी चेतावनी है कि सरकार जल्द से जल्द उसको वापस ले और नियमित रूप से स्कूल कॉलेज रेगुलर रूप से खुले, इसकी भी विद्यार्थी परिषद ने